विनोद बंसल जी, ये जो चश्मा पहन के आप आते हैं ना सर, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान का चश्मा लेकर आते हैं ना, मतलब देश को क्यों भड़काने का काम करते हैं? आप कह रहे हैं कि मस्जिद हटाई नहीं जाती है, ये हटाई नहीं जाता है, कब्रगाह हटाए नहीं जाते हैं, मंदिरों को हटा दिया जाता है, ये मंदिर मस्जिद की राजनीति, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जी मैं विकास की बात कर रहा हूँ चित्रा जी, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, क्या ये विकास है क्या? आप ये मानते हैं कि दिल्ली के अंदर इतने सारे केसेस मैंने गिनाए, गुरुद्वारा लड़कापगंज के पास, रेडको सोसाइटी के सामने, कृषि भवन के सामने, और अपने निर्माण भवन के अंदर, तेजी मार्ग पर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, आखिरकार पार्लियामेंट एनेक्स के अंदर, उपराष्ट्रपति भवन के अंदर, हसनपुर डिपो के अंदर, ये फैलाने का काम मत कीजिए, मंदिर और मस्जिद में मत उलझाइए, मत कीजिए ये आग से खेलने का काम, सांप्रदायिकता हो जाएगी। अरे बिल्कुल बंसल जी, तो आप बोलिएगा कि अतिक्रमण जहां कहीं भी है हर जगह से अतिक्रमण हटना चाहिए, अतिक्रमण जहां कहीं भी है वहां से अतिक्रमण हटना चाहिए, और कोर्ट की तो ये भी टिप्पणी है कि भगवान कभी भी आम आदमी के रास्ते में नहीं आना चाहेंगे, भगवान को मंदिर देने वाले या जगह देने वाले हम लोग कौन होते हैं? विनोद बंसल जी बिल्कुल चित्रा, ये तो धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीति चमकाने वाले लोगों में से है, विनोद जी जैसे लोग तरह रहे थे तो देश कितना सुरक्षित होगा, जिस मंदिर की सुरक्षा कर रहे थे उसे ध्वस्त कर दिया गया इनके होते होते, चित्रा जी इनका मुखौटा उतर चुका है, इतनी नियत रात के अंधेरे में इन्होंने हनुमान जी का मंदिर को गिरा दिया, सबके सामने है। अरे आप बचा लेते ना कुलदीप जी, क्या कर रहे थे आप लोग, क्या कर रहे थे आप लोग, अगर इतनी ही चिंता है तो क्या कर रहे थे आप लोग, बचा लेते, क्या आपको जानकारी नहीं थी? कोर्ट में इतने दिनों से मामला था, क्या आपको जानकारी नहीं थी? और वो जो पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं उसका पता लगता है, आपको पता ही नहीं था राजधानी दिल्ली में कैसी सरकार है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता है, चांदनी चौक जैसी जगह जो देश नहीं विदेशों में भी जानी जाती है वहाँ पर एक मंदिर ढा दिया जाता है, आपको पता नहीं चलता, गजब की बात करते हैं कुलदीप जी आप। भेजा क्या ये मंदिर को तोड़े बिना भी यहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है? मंदिर रास्ते में नहीं आ रहा है, ये हमने लिख के भेजा, लेकिन एमसीडी के लोगों से आपने बातचीत की, लिख के भेजा क्या होता है, लिख के भेजा क्या होता है, बात की आपने एमसीडी के लोगों के साथ, बातचीत की, अब सरकार है दिल्ली में बुलाते एमसीडी के लोगों को, बोलते कि हमें ये मंदिर चाहिए, एमसीडी भाजपा की 15 सालों सरकार है, एमसीडी की चित्रा जी वहाँ हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात किए थे इन लोगों ने मंदिर तोड़ने के लिए, इनको शर्मानी चाहिए, ये भगवान के मंदिर को तोड़ने के लिए रात को 2 बजे जाते हैं बारिश के अंदर और मंदिर को तोड़ देते हैं, लाखों लोगों की भावनाओं से खेलते हैं लोग, इन्हें क्या दुश्मनी है हनुमान जी से, ये बताए ना। अरे कुलदीप जी अगर एक एप्लीकेशन लगा देते तो आपका क्या बिगड़ जाता, एक एप्लीकेशन अगर हाईकोर्ट में लगाने से आपका कुछ घिस जाता क्या? अगर आपने आप लोग कहाँ चले गए थे बताइए ना, अरे आप तो कोर्ट में खड़े तुड़वाने के लिए, विनोद जी आपके साथी थे वो मानुषी वाले, जो मानुषी संघर्ष के थे वो आपके साथी थे, वो आपके साथी थे, प्लीज बोलिए हरी जी, वो अभी तो कह रहे हैं कि रात के 12 बजे 2 बजे आगे क्या जरूरत थी पुलिस बल लेकर वहाँ पर तोड़फोड़ करने की? चित्रा जी देखिए तू तो मैं की राजनीति चलती रहेगी, ये होगा हिंदू की बात करते हो आप लोग, एक बार कुलदीप जी सुन लीजिए हरी जी को प्लीज, सवाल ये दोनों ने मिलकर बुलवाया, शर्म ये आती है कि दोनों धर्म के नाम पर वहाँ उतर कर लोगों में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, दिल्ली सरकार को भी वहाँ किसानाबाद बोर्ड है, ये दिल्ली सरकार को लिख के देना पड़ेगा कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था देनी पड़ेगी वहाँ पे, तो अगर इतना ही अगर वो बन रहे हैं कि बहुत गलत हो गया टूटने में तो वैकल्पिक व्यवस्था देके तुरंत से तुरंत वो हनुमान मंदिर को दोबारा आपसे जमीन मांग रहे हैं कि आप जमीन दीजिए उससे बड़ी मंदिर बनवाएंगे हम, आप तो सही मानते हैं उसको क्योंकि आपने तुड़वाया था, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, प्लीज एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी की भी आवाज समझ में नहीं आ रही है। अब जरा यहाँ से चर्चा में आगे बढ़ते हैं हरीश खुराना जी, अब तो मंदिर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पूरा देश देख रहा है, इसके लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी ऐसा लग रहा है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई एक दूसरे से अलग नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ आपकी अगर एमसीडी है, पावरफुल है, इतने सालों से है, तो वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, तो मंदिर के मुद्दे पर अगर आप लोग अपना अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भूल जाइए, क्योंकि दिल्ली की जनता सब देख रही है, लेकिन अब इसके आगे क्या, आगे क्या होगा हरीश जी बताइए। चित्रा जी मैं यही तो बोल रहा हूँ, आगे चित्रा वैकल्पिक जगह तुरंत तय करके एक मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, ये तमाशा बंद होना चाहिए। एक बार बोल लेने दीजिए हरीश खुराना जी को प्लीज, नहीं बोले वो शांत रहेंगे, बोलिए बोलिए।
चित्रा जी हम यही तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था देके अब तक हो जाना चाहिए मंदिर अगर टूटेगा वही बनना चाहिए। प्रॉब्लम हो रही है मंदिर वही बनना चाहिए, मंदिर पक्का बनना चाहिए और नहीं तो कब्र खोदने वाली है। सब लोग हमाम में नंगे हो चुके हैं। ये कब्र खोदने वाली से क्या मतलब है विनोद बंसल जी? ये कब्र खोदने वाली से क्या मतलब है आपका? मतलब क्या है? साफ है, हनुमान जी का मंदिर तोड़ोगे और शांत रहोगे, इनकी राजनीतिक कब्र खुदेगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है आप बोलिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। एक बार हरीश खुराना जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। कुलदीप प्लीज, हरीश खुराना जी। चित्रा जी मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है। अब आगे क्या करना है? अगर तुरंत से तुरंत दिल्ली सरकार के अंडर में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है, तुरंत से तुरंत लिख के दे और शाहनाबाद इंडस्ट्री की एरिया जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में वहाँ विकल्प व्यवस्था करके मंदिर बनाया जाए। क्या दिक्कत है वहाँ पे? प्रॉब्लम ये है, ब्लेम गेम चलता रहेगा। ब्लेम गेम की बजाय अगर आप विकल्प व्यवस्था देते हुए तुरंत से तुरंत वहाँ मंदिर का करें तो अच्छा रहेगा, सबके लिए ठीक रहेगा। 100 साल पुराना मंदिर था वो, जिसको लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, देश देख रहा है। कुलदीप कुमार जी वो कह रहे हैं कि आपके हाथ में है, दूसरा बड़ा मंदिर बनवा लीजिए, आपकी सरकार है। चित्रा जी बोलिए। कुलदीप चित्रा जी आप ये समझ लीजिए कि हम तो हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं, हनुमान जी में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन आप ये बताइए, मैं इनसे कहता हूँ आपके चैनल पे कि ये हमें जगह दें, जगह अलॉट करें, हम मंदिर बनवाने सहयोग करेंगे।